राम जय राम जय जय राम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों से धर्म संबंधित कुछ चर्चा करते हुए एक बात कही थी, त्रयी धर्म और भागवत धर्म की। गीता में भगवान ने विस्तार के साथ इसका संकेत किया, त्रैविद्या सोमपाह पूतपापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिव्येव होगा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ति। ये त्रय धर्म के विषय में भगवान का वक्तव्य, और इसी विषय में दूसरे अध्याय में भी जहां पर उन्होंने योग बुद्धि की महत्ता का गान किया है, वहां पर भी ये बात कही है। योग बुद्धि की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, दोषायात्मिका बुद्धि रेके है पुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्योषायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेद वाद रताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिंपसि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां दोषायात्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। इसलिए उन्होंने बताया त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण उपवार्जुन, इसका अभिप्राय नहीं कि भगवान ने वेद की निंदा की, नहीं, उन्होंने बताया कि ये दोनों आपस में एक स्वतंत्र मार्ग, भागवत धर्म इससे भिन्न है। त्रयी धर्म की अपेक्षा भागवत धर्म अधिक उपयोगी है, और यदि मैं ये कहूं कि भगवान व्यासदेव के द्वारा विशेष करके जिस धर्म की महत्ता का गान किया गया वो तो भागवत धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिस धर्म की प्रतिष्ठा की गई वह भागवत धर्म है, और वर्तमान में सनातन धर्म के नाम से जो प्रचलित है वो भागवत धर्म है। यहां एक बात और आप लोग समझ लें, ऋग्वेद में अनेकों सूक्त हैं, उन सूक्तों के ऋषि हैं, भिन्न भिन्न ऋषि हैं। इसमें सार रूप से जिस सूक्त को भागवत धर्म का मूल स्रोत माना जाता है उसको पुरुष सूक्त कहते हैं, और उस पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण स्वयं हैं। इसीलिए जिस समय असुरों के भार से पृथ्वी प्रकंपित होकर के भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, भगवान की स्तुति करने के लिए
भगवान का आवाहन करने के लिए देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में जाती है और ब्रह्मा स्वयं क्षीर सागर के तट पर जाकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। तो वहां पर उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा की स्तुति की गई, ऐसा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के प्रारंभ में वर्णन। अभिप्राय कि भागवत धर्म का मूल आधार पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में। आज भी हमारे यहां जो प्राचीन प्रक्रियाएं थी यज्ञयागाद की, उसमें भी पुरुष सूक्त द्वारा ही आहुतियां दी जाती थी मुख्यतः। लेकिन जब भागवत धर्म की प्रतिष्ठा विष्णुआचार्यों ने की तो उन्होंने उन्हीं मंत्रों को पूजा के साथ जोड़ दिया। पूजा के साथ यदि मंत्र का अर्थ आप समझिए तो उस पूजा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। लोग पूजा जब कराएंगे या कराते हैं तो भगवान को जब भोग अर्पित करते हैं क्या मंत्र बोलते जानते हो? नाभ्यास इदंतरिक्षद्वं शिक्षणो देवहु समवर्तत तद्भ्याम भूमिर्दिशस्त्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन। अब इससे, इस मंत्र के अर्थ से और भगवान को भोग लगाने से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे कोई संबंध नहीं है। भगवान को दीपक दिखाएंगे तो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। अब उनसे पूछिए कि दीपक दिखाने से इस मंत्र का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर इन 16 मंत्रों का प्रयोग 16 प्रकार के पूजन के लिए ऋषियों ने निश्चित किया, इसका विनियोग किया कि ये 16 मंत्र जो हैं इससे भगवान का 16 प्रकार का पूजन किया जाए। तो पंचोपचार पूजन होता है, 16 पूजन को श्रेष्ठतम पूजन माना जाता है। उसके लिए ऋग्वेद के ये 16 मंत्र आधार बनाए गए, जिससे कि हमारे पूर्व के आचार्य महापुरुषों ने निश्चय किया, जिससे कि वैदिक आस्था से जनता का हृदय बदले ना, वेद में उसकी आस्था बनी रहे। अरे कम से कम कम पढ़े लिखे पंडित 16 मंत्र तो याद कर ही लेंगे, यजमानी यदि करनी है तो। यजमानी यदि करनी है तो ये 16 मंत्र याद करेंगे, नहीं तो एक मंत्र से ही काम चल जाता है। शांताकार भुजग सेनम पद्मनाभम सुरेशम, मैंने देखा है कई एक मंत्र से ही काम चला लेते हैं। अब वेद का घना नाम क्या गणपति हिंगवाम है, प्रिया नाम क्या प्रियपति मिंगवाम है। आज जो मंत्र हैं इसका गणेश जी से कुछ लेना देना नहीं है, अभी मैं आपको बताऊं। लेकिन नहीं, अब वो मंत्र के साथ जोड़ दिया गया कि गणपति का पूजन करो और इस प्रकार के मंत्र बोलो। नहीं तो ये तो पुरुष सूक्त का है, जो गणानाम क्या गणपति आदि मंत्र है ये तो राज्याभिषेक के पश्चात यजुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ अलग है। खैर मैं आप लोगों को वेद का अर्थ समझाने नहीं आया, मैं तो आपको भागवत धर्म की चर्चा सुनाने आया। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि भागवत धर्म जो है वह मानव मात्र के लिए उपयोगी है, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के पात्रता का विचार नहीं है। किस प्रकार का पात्र होना चाहिए जो भागवत धर्म का अनुयायी बने, कैसा भी, परमात्मा के अवतार के साथ हमारे यहां ये बात समझाई गई कि 4 बातें उपनिषद कहती है निश्चित है। एक बात और मैं आपको बताऊं, वैदिक धर्म ने आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष के 4 प्राप्तव्य बताए, लेकिन भागवत धर्म में 4 प्राप्तव्य जानते हो क्या है? धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। ना धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, क्योंकि भागवत धर्म में मोक्ष की महिमा ही नहीं है। तुलसीदास जी ने तो बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि भागवत धर्मानुयायी सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं और सगुण उपासक मोक्ष न ले ही।
तो मोक्ष का परित्याग करते हैं। तिन कहूँ राम भगत निज देही, तो मोक्ष नहीं चाहते क्योंकि उनके मतानुसार कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवई बरियाई। वो तो मुक्त में मिल जाता है, इसलिए मुक्ति की कोई महिमा नहीं भागवत धर्म में। भागवत धर्म में महिमा है भगवत प्रेम की, प्रेम की। इसलिए तुलसीदास जी ने भक्ति को ज्ञान और विज्ञान दोनों से ऊपर उठाया, बताया चाहे भक्ति सामान्य नहीं है, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। यहाँ पर भगवान अपने प्रियजनों की बात करते हैं कि मुझे सबसे कौन प्रिय है, उत्तरकांड में तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुहि भाए, तिनमह द्विज द्विजमह सृजधारी, तिनमह निगम नीति अनुसारी, तिनमह पुनः विरक्त पुनः ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, और इन सब के मुहि प्रिय निज दासा। भक्त को ऊपर ले जाकर बैठा, यही गति मोर न दूसरी आशा। तो भगवान के जो अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं, इसीलिए आप देखेंगे भागवत धर्म में ये चार बातें समझाई गई हैं। जब वह परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म, जिसके लिए चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणा उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, तो परब्रह्म परमात्मा जो अपने भक्तों की अभिक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने रूप को अभिव्यक्त करता है, कल्पना करता है, क्योंकि उसका कोई रूप तो है नहीं। जिस प्रकार के रूप की चाह होती है भक्त को देखने के लिए, वैसा रूप धारण कर लेता है, तत्त्वतः उसका कोई अपना रूप नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में भी इसकी बड़े विस्तार के साथ व्याख्या की है। तो श्रीमद् भागवत में भी ये बात आई है कि परमात्मा का जो स्वरूप चिन्मय है, चिन्मय माने वहां देह और देही का भेद नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर का और शरीर का भेद है, आपका शरीर प्रकृति का है और आपकी आत्मा इसमें जो चिदांश है परमात्मा का चिदांश है। शरीर बुद्धि से लेकर के और स्थूल शरीर तक ये प्रकृति का परिणाम है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते गीता कहती है। और आत्मा जो है वो परमात्मा का चिदांश है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र स्वार्थ ममयुवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप वेद में उपनिषद में गीता में कहीं भी पढ़ेंगे आपको दो ही बात मिलेगी कि शरीर प्राकृत है और आत्मा अप्राकृत परमात्मा का चिदांश। लेकिन जब परमात्मा का अवतरण होता है तो उसके देह और देही में भेद नहीं होता। क्या समझे? परमात्मा का शरीर प्राकृत नहीं होता, अप्राकृत होता है। ऐसा होता है चिन्मय से अद्वितीय से, वह चिन्मय है, अद्वितीय है, निष्कल है, जिसके लिए वेद कहता है सौ परेगा छुक्रम अकाय अग्रणम अश्नाभिरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू याथा तत्वर्धाध्य समाप्त। मेरे कहने का अभिप्राय कि परमात्मा का स्वरूप जो होता है, रामायण में आप लोग पढ़ते होंगे, मैं तो लोगों से कहता हूँ, वही जो संस्कृत नहीं जानते, वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, वो रामायण पढ़ लिया करो तुलसीदास, सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी, सूक्ष्म रूप से मिलेंगी, विस्तार के साथ तो नहीं। तो तुलसीदास जी ने इस विषय में भगवान राम के प्रति कहा है, महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं राम से, राम चिदानंद में देह तुम्हारी, ये आपका स्वरूप ये प्राकृत नहीं है प्रभु, ये तो सच्चिदानंद में है, सदघन चिदघन आनंद घन ही साकार विग्रह के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। चिदानंद में देह तुम्हारी, ये विगत विकार, इसमें कोई विकार नहीं, जैसे प्राकृतिक शरीर में विकार होता है, मनुष्य का शरीर तो शरीरम व्याधि मंदिरम आप लोग जानते हो, अनेक प्रकार के विकार से भरा हुआ है, मल मूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है,
कोई पवित्र शरीर में है पदार्थ? जो दिन भर साबुन मल करके तेल लगा करके अपने आप को संवार धार करके शीशे के सामने देखते हैं कि हम बहुत पवित्र हो गए, तो जरा आंख बंद करके अंदर को देखो कितनी पवित्रता है उसमें। शरीर में है क्या? जो जितना मोटा ताजा है उसमें उतने वसा है, वसा तो जानते हो, उतने अधिक मांस है उसमें। शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है। यदि आप कभी भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतक पढ़े तो आपको शरीर की यथार्थता का बोध हो जाएगा कि शरीर है क्या। जिसको बहुत सुंदर कहते हो, क्या सुंदर नेत्र है इसके, और सवेरे उठो और जरा सा ऐसे करके देख लिया करो क्या सुंदर नेत्र है। कमल ऐसा मुख दिखाई देता है लेकिन सवेरे उठो जरा देखो तो उसमें से निकलता क्या है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसको तुम पवित्र समझो, जिसको पवित्र कहा जाए, जिससे कोई अच्छी वस्तु निकलती हो। शरीर के सभी अंगों से जितने रोम कूप हैं इनसे भी मल का ही प्रवाह बाहर निकलता रहता है, कहीं से कोई शुद्ध वस्तु नहीं निकलती, क्योंकि शरीर है ही मलभाव। लेकिन अहंकार बस आदमी समझता है कि हम बहुत शुद्ध हैं, हम बड़े पवित्र हैं। इसलिए भागवत धर्म में बात समझाई गई है कि आप ये समझें जो आपके पास साधन है वो केवल परमात्मा की पूजा के लिए है। जब पूजा की सामग्री समझेंगे तब तो ठीक बात समझ में आएगी, और यदि आप उसमें अहंकार करेंगे तो आप जानते हैं भली बात कि परमात्मा को अहंकार प्रिय नहीं है। ईश्वर से आप अभिमान जेसुत्वाद दैन्य प्रियवाच्य, देवर्षि नारद कहते हैं अपने भक्ति दर्शन में कि ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रेम है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे मनुष्य का शरीर प्राकृत है ऐसे परमात्मा का शरीर प्राकृत नहीं होता। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, वह विकारों से रहित होता है लेकिन इसको सब नहीं जानते, अधिकारी ही जानते हैं, अधिकारी ही जानते, क्योंकि परमात्मा का जब आविर्भाव होता है तो उसके अवतार के चार हेतु होते हैं, चार हेतु। उपनिषद कहती है धर्म मार्गम चरित्रेण, भगवान अपने चरित्र के द्वारा धर्म मार्ग की प्रतिष्ठा करता है। धर्म मार्गम चरित्रेण और ज्ञान मार्गम च नामतः, और परमात्मा का जो नाम है वह ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करता है। तथा ध्यानात् च वैराग्यम, और परमात्मा का जो ध्यान है स्वरूप का वो वैराग्य प्रदान करता है। और ऐश्वर्यम पाद स्वस्य पूजन, और परमात्मा का जो पूजन है वो ऐश्वर्य प्रदान करता है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है जानते हो? ईश्वर भाव ऐश्वर्य, गीता का यही मंतव्य है, उपनिषदों का यही मंतव्य है। परमात्मा के अवतार के चार प्रयोजन होते हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति। राशन धर्म क्या है इसको जानना हो परमात्मा के चरित्र को देखिए, वो अपने चरित्र द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करता है, चाहे वह राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। परमात्मा के अवतार के कई भेद हैं, भागवत धर्म में ही अवतार की प्रतिष्ठा है। इसीलिए हमारे यहाँ एक संप्रदाय निकला नया, तो उसने कहा वेद में परमात्मा के अवतार की बात नहीं कही गई। आप लोग जानते होंगे, हाँ तो कहते हैं वेद में परमात्मा अवतार नहीं लेता ऐसा कहा गया है, इसलिए परमात्मा का अवतार नहीं होता। तो ऐसा नहीं मानते कि रामकृष्ण आज परमात्मा के अवतार, इसीलिए वो मूर्ति पूजा भी नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति पूजा तो अवतार से जुड़ी हुई है। तो जब अवतार ही नहीं लेता तो मूर्ति किसकी बनाओगे, तो मूर्ति पूजा भी नहीं मानते, इसलिए तीर्थ भी नहीं मानते। उस संप्रदाय में न तो तीर्थ माना जाता है, न मूर्ति पूजा होती है, और न तो परमात्मा का अवतार होता है, तीनों नहीं मानते, कहते अवैदिक है। उनसे पूछिए कि परमात्मा को अवतार लेने के लिए मना किसने किया है,
किसने मना किया कि हे परमात्मा तू दुनिया तो बनाना, वो ये कहते हैं परमात्मा ने दुनिया बनाई है, जबकि हमारे यहाँ हम नहीं मानते परमात्मा दुनिया बनाता है। ना ना बिल्कुल नहीं, पूरी रामायण पढ़ डालिए कहीं भी नहीं आएगा कि राम ने सृष्टि की, कहीं नहीं मिलेगा। भागवत धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा कि परमात्मा सृष्टि करता है। परमात्मा सृष्टि नहीं करता, क्यों करेगा परमात्मा सृष्टि? क्या सृष्टि कौन करता है? अध्यात्म रामायण पढ़िए, उसके प्रारंभ में ही भगवती श्री सीता जी हनुमान जी को उपदेश देते हुए बताती हैं कि ये सारा प्रपंच जो है ये मेरे द्वारा रचा गया, राम नहीं, राम तो केवल साक्षी मात्र। तुलसीदास जी रामायण में अपने लिखते हैं, उद्भव स्थित संहार कारण क्लेश हारण सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम तो हम राम बलवान। राम नहीं सृष्टि प्रलय और प्रारंभ करते, सीता जी करते। रामायण में अन्यत्र आपको मिलेगा, लवन में से महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। माया सृष्टि करने वाली है, सीता सृष्टि करने वाली है, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। गीता में भी आप पढ़िए, माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतुना कौनते जगत भी परिवर्तित। उपनिषदों में पढ़िए आप, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि परमात्मा सृष्टि करता है। परमात्मा सृष्टि क्यों करेगा भाई? कहा फिर उसकी प्रकृति उसकी शक्ति सृष्टि क्यों करती है? कहा अपने प्रियतम को प्रमोद प्रदान करने के लिए। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन बालक रूप में थे, खेलते खेलते बच्चों के साथ अलग हो गए और वहां जाकर उन्होंने मृतिका उठाई और मुंह डाली। बच्चे मिट्टी खाते हैं, देखा होगा आजकल भी बच्चे खाते हैं मिट्टी। तो भगवान ने निश्चय किया कि भाई हम अब आए हैं यहाँ पर, भगवान का विग्रह तो शुद्ध सात्विक है और निशाचरों का वध करना है, तो निशाचरों का वध करने के लिए तो रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो मूवमेंट तो रजोगुण में है, क्रियाकलाप रजोगुण में है, सतोगुण में तो है नहीं। तो भगवान ने निश्चय किया कि भाई हमें रजोगुण का आश्रय लेना चाहिए और रजोगुण का आश्रय लेने के लिए रज का भक्षण थोड़ा सा मुंह में डाल ले तो आश्रय हो जाएगा, उससे रजोगुण के द्वारा हम निशाचरों का वध करेंगे। तो इसलिए उन्होंने रज उठाया और मुंह में डाल लिया। एक महात्मा ने कहा कि नहीं, ये भी एक अर्थ है, लेकिन मूल बात यह है कि भगवान अब पृथ्वी पर आए हुए हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ हमारे भक्त लोग चलते हैं, भक्तों के चरण के रज को स्पर्श करके सारी दुनिया धन्य हो जाती है, तो इस ब्रज में तो सारे मेरे भक्त ही हैं जो यहाँ पर रातों दिन चल रहे हैं, इनके चरणों से स्पर्श किया हुआ जरा रज खाकर हम भी देखें कैसा लगता है। तो भगवान ने रज उठाकर खा लिया। एक ने कहा कि नहीं, भगवान सोचने लगे कि भाई मैं पृथ्वी पर आया हूँ और पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, क्षमा पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, तो हमें यहाँ पर अनेकों इन निशाचरों को क्षमादान देना भी पड़ेगा, तो जरा सा थोड़ा सा क्षमा का अंश मेरे में भी आ जाए, इसलिए भगवान ने मृतका भक्षण किया। कई महापुरुषों ने इसके बड़े अर्थ किए हैं, तो मैं आम लोगों को जो बताने जा रहा था उसको सुनिए कि भगवान ने मृतका खा ली। बच्चों ने जाकर यशोदा मैया से कहा कि कृष्ण मिट्टी खा रहा था। यशोदा को बुरा लगा, बच्चा मिट्टी खाता है तो रोग पैदा होता है, पांडु रोग हो जाता है पेट में। तो यशोदा जी पहुंच गई तो सबसे पहले कन्हैया का हाथ पकड़ा। हाथ क्यों पकड़ा? कहा कि मिट्टी खिलाने में हाथ नहीं तो सहयोग दिया था, मुंह से तो मिट्टी खाया नहीं, हाथ ने उठाकर डाला है, बोले हाथ को पकड़ो, तो हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके डंडा हाथ में ले लिया साथी, कहा तूने मिट्टी खाई है? भगवान तो लीला कर रहे थे, भगवान रोने लगे। कहा नहीं माँ, मिट्टी नहीं खाई। यशोदा बार बार कहती है, भगवान के आंसू गिर रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई माँ। यशोदा ने कहा अच्छा मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा तू। अब भगवती जो परमात्मा की पराशक्ति परमेश्वरी है वो देख रही थी, अभी तक तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप जानते हो किसी की पत्नी के सामने किसी पुरुष को यदि इस प्रकार के त्रास दिए जाए तो कब तक बर्दाश्त करेगी? तो भगवती से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा कि मेरे प्रभु तो लीला कर रहे हैं और ये माँ जो है
ये ऊपर चढ़ी जा रही, डंडा लेकर उनको दिखा रही है और मेरे प्रभु रो रहे हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भगवान ने जो मुंह खोला अपना, इतने में महामाया जो थी उनके मुंह में अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर दिया। अनंत ब्रह्मांड ये प्रकट कर दिया तो यशोदा जी देखते डर गई, साथी नीचे गिर गई, आंख बंद कर लिया, सोचने लगी ये क्या हो गया। सारा त्रिलोकी भगवान के मुख में, तो भगवान के मुख में भगवान ने त्रिलोकी दिखाई, बोले नहीं भगवान ने नहीं, भगवान की उस महामाया शक्ति ने। जब लीला समाप्त हो गई तो भगवान ने पूछा देवी से, देवी मैं तो अपनी माँ के साथ खेल कर रहा था, तूने ये क्या किया, माँ को डरा दिया मेरे। अरे कहा महाराज, आपकी माँ आपको डरा रही थी, आप रो रहे थे, तो मैं कब तक बर्दाश्त कर दिया। तो परमात्मा की लीला अपने में आप में अद्भुत होती है। तो यहाँ पर बताया धर्म मार्गम चरित्रेण, परमात्मा का चरित्र जो है वो मनुष्य मात्र को धर्म की शिक्षा देता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने आप को धर्म का प्रतीक, धर्म का क्रियात्मक स्वरूप और कर्मयोग का आधार बताते हुए कहा है गीता के चौथे अध्याय तीसरे अध्याय में, वहां पर आप पढ़िए, आपको विस्तार के साथ भगवान का संदेश मिलेगा। और उन्होंने एक बात और कही वहां पर तीसरे अध्याय में, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व एवं स्वयं प्रमाणम कृत्य लोकस्तन वर्तते, का धर्माचरण की सीख किसको देनी चाहिए, का जो श्रेष्ठ जन है उनका कर्तव्य है कि धर्माचरण की सीख दे। और अब पूछा गया कि श्रेष्ठ तो आप सबसे हो, तो भगवान कहते मेरे को ही देखो, यदि हम न वर्ते हम जात कर्मण पंडित मन वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार सर्वस्व, का हे पार्थ यदि मैं अपंडित प्रमाद रहित होकर के नित्य प्रति धर्मानुष्ठान न करूं तो मेरा अनुकरण करते हुए मनुष्य भी भटक जाएगा, तभी धर्मानुष्ठान सूचित हो जाएगा। तो भगवान स्वयं धर्मानुष्ठान करते हैं और अपने चरित्र द्वारा मानव मात्र को धर्मानुष्ठान की सीख देते हैं। धर्म मार्गम चरित्र, भगवान के चरित्र की यही उपयोगिता है। तो बात याद रखना, आजकल कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि भगवान के चरित्र का श्रवण कर लो इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। होता है कल्याण इससे भी, लेकिन चरित्र सुनने के लिए वहां शर्तें हैं, तीन शर्तें। यदि वो तीनों शर्तें मिलकर के युक्त होकर के चरित्र सुनो तब कल्याण होगा। तीन शर्तें कौन कौन सी हैं उसमें जानते हो? तुलसीदास की रामायण पढ़ो, उसमें भी आपको मिलेगा। वहां तो उन्होंने और कई शर्तें लगा दी, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पांच शर्तें लगाई उन्होंने। श्रोता में यदि पांच गुण हो, सबसे पहले श्रोता सुमति शुद्धमति वाला हो, यदि शुद्धमति आपकी है तो आप चरित्र सुनेंगे तो आपका उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मति तो शुद्ध हो पहले। श्रोता के क्या क्या लक्षण बताए, श्रोता सुमति सुशील सुचि, शीलवान हो, चरित्रवान हो। शील का अर्थ होता है चरित्र, अमरकोश में शील शब्द का अर्थ चरित्र बताया गया है। तो श्रोता सुमति सुशील सुचि और पवित्र हो, बाहर से भी भीतर से कपट युक्त न हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक, और भगवान के चरित्र में उसका चरित्र का रसिक हो, उसमें रस की अनुभूति करता है। और इन सबसे बड़ा गुण है हरिदास, परमात्मा का अनन्य चरणानुरागी। दास कभी अपने स्वामी के विपरीत आचरण कर सकता है? कभी नहीं करता। दास को तो अपने स्वामी का ही अनुकरण करना पड़ता है, समझे? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यदि ऐसा श्रोता हो जाए, इन पांच लक्षणों से युक्त हो जाए, तो केवल कथा सुनकर के उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन ये पांच लक्षण कहां से लावे लो? पहले तो सुमति का ही दिवाला निकला हुआ है, शुद्धमति कहां से आएगी? आहार विहार शुद्ध नहीं है, वेद कहता है आहार शुद्ध हो, सप्त शुद्धि
जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। तो जब आहार ही शुद्ध नहीं है तो शुद्ध मति कहाँ से आएगा? आप जरा सोचिए, आजकल सारा आहार दूषित हो गया है। आप लोग जो अन्न खाते हैं, या गेहूं बोते हैं, यूरिया डालते होंगे, हाँ, क्योंकि बिना यूरिया के अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि पहले लोग पशु रखते थे, बैल से खेती करते थे, तो खेती कर चार गायें होती थी, गोबर होता था, खाद होती थी, उठाकर खेत में डालते थे। अब इतनी जहमत कौन करे, तो सोचते हैं यूरिया ले आओ छिड़क दो, उससे उत्पन्न हो जाएगा। अब यूरिया क्या है, जहर है वो, और इतना अपवित्र पदार्थ है वो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अब उससे आप उत्पन्न कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, और यदि कहीं कीड़े लग गए तो पेस्टिसाइड लाकर उसमें डालते हैं, जिसको विष कहते हैं। तो आपका आहार विष से युक्त होता है। चावल खाते हुए विष से युक्त है, गेहूँ खाते हुए भी विष से युक्त है, क्योंकि यूरिया और पेस्टिसाइड का संयोग है उसमें। यहाँ तक कि गौएं जो दूध देती हैं और आप जो उनको चारा खिलाते हो, उस चारा में तो आखिर धान में या जब गेहूँ में आप यूरिया डालेंगे या पेस्टिसाइड डालेंगे तो उसके भूसे में भी तो वही होगा, तो उसमें भी विष हो जाता है। आप सोचिए, अपने उत्तम खेती की प्रक्रिया का त्याग करके ये नकली खेती वाला जो मामला अपनाया है लोगों ने, व्यामोह बस, उसका परिणाम क्या? पाल करके यूरिया तो बड़ा अन्न उत्पन्न किया, बाद में सारी जमीन उनकी बंजर हो गई। आज भी रशिया अपने खाने के लिए अन्न पैदा नहीं करता, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं करता। क्यों नहीं करता जानते हो? सारी जमीन वहां बंजर हो गई इसी यूरिया डालने से, क्योंकि पशु तो वहां थे नहीं जिसको पाल करके खाद डालते वो। अब इसलिए भारत सरकार भी कहती है पेस्टिसाइड खाद डालो, खाद खाद बनाओ, कंपोस्ट खाद बनाकर डालो, नहीं तुम्हारा ये सारा खेत जो है ये ध्वस्त हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा। तो मेरे कहने के प्राय आहार तो आजकल शुद्ध है ही नहीं, खाने पीने की वृत्ति भी अशुद्ध होती जा रही है। जब भारत परतंत्र था तो 20% लोग मांसाहारी थे, और इस समय उनकी संख्या 70% हो गई है, 70% और बढ़ते जा रही है। उसमें सरकार का सहयोग है, सरकार का पूरा सहयोग है। मुर्गी पालो, अंडे खाओ तो सरकार सहयोग देगी, आपको सब्सिडी देती है। सुअर पालो, मुर्गी पालो, देखते नहीं जगह जगह पर? अब बाजार में अंडे वैसे बिकते हैं जैसे फल फूल बिकते थे कभी, उसी रेड़ी पर अंडे रखे हुए, उसी रेड़ी पर फल रखे हुए। अब जहां पर भोजन की ये दुर्गति हो रही हो, और उस देश में जो देश आज दुनिया को शाकाहारी होने का संदेश दे रहा, लाखों अंग्रेज, लाखों अमेरिकन को मैंने स्वयं शाकाहारी बनाया, हजारों को नहीं, लाखों को, अपने 25-26 साल के अमेरिका और यूरोप के जीवन में। और यहाँ के लोग मांसाहारी बनते चले जा रहे हैं, तो सुमति कहाँ से आएगी यदि आहार शुद्ध नहीं होगा? और सुमति के बिना आप कथा सुनेंगे तो पल्ले क्या पड़ेगा, क्या पल्ले पड़ेगा, क्या समझेंगे आप? हम कहेंगे कुछ और, आप समझेंगे कुछ और। इसलिए सुनने से कल्याण होता है, लेकिन सुनने के लिए शर्तें हैं कुछ जो मैंने बताया। यदि उन शर्तों से युक्त होकर आप सुनेंगे तो अपने आप आपके जीवन में उतरेगा, वो स्वयं उतरेगा। तो जिसका चिंतन करेंगे, यम यम चिंते तम तम भावत, यम यम भावत तम तम करोति, जैसा मनुष्य चिंतन करता है वैसी उसकी भावना बनती है, जैसी भावना बनती है वैसे काम करता है। आप जरा सोचिए, जो कुछ कर्म आप करते हैं क्या चिंतन के अभाव में कर सकते हैं, क्या संकल्प के अभाव में कर सकते हैं, क्या बिना संकल्प का कोई काम नहीं होता, बिना चिंतन का कोई काम नहीं होता, बिना भावना का कोई काम नहीं होता। और ये चिंतन आपका मूल आधार है, वो बुद्धि का विषय है, बुद्धि का विषय। इसलिए सबसे पहले बुद्धि को शुद्ध करनी चाहिए, तब आप परमात्मा के बताए हुए धर्म मार्ग का अनुसरण करें। ये धर्म मार्ग की बात मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूं कि ये भागवत धर्म जो है इसमें हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है, समान अधिकार। इसमें विधि विधान नहीं है, इसमें केवल एक ही विधि है,
तो विधि क्या है? स्वकर्मणात्मक धर्च, अपने कर्मों के द्वारा आप परमात्मा की अर्चना करें। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की अर्चना करते हैं तो आप भागवत धर्मानुयायी। भक्त क्या सारा जीवन पूजा में होता है। हमारे यहाँ एक रविदास नाम का चमार हुआ है भक्त, सुना होगा नाम आप लोगों ने। बनारस के पास ही एक गांव है जहाँ उसने जन्म लिए थे। उस समय वो जूता गांठते रहे जन्म भर, और जूता गांठते हुए भी माँ का साक्षात्कार हुआ। और मीरा देवी का नाम सुना होगा, जो महाराणा प्रताप की चाची थी, भोजराज की पत्नी, उसके वो गुरु थे। मीरा ने काशी में आकर रविदास को गुरु बनाया आपने, क्योंकि उनके समान और कोई संत उस समय था नहीं काशी में। और वो अपना काम वही करते रहे, लेकिन उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि ये जूता मैं बना रहा हूं भगवान के लिए, भगवान इसे पहनेंगे। तो सर्वरूप में भगवान को देखते थे। भागवत धर्म का यही संदेश है, सर्वभूतात्मभूत आत्मा, संपूर्ण प्राणियों में एक अपनी आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याहं न पुनस्यामि सोचमे न पुनस्यति। ये भागवत धर्म का मूल लक्षण है कि सर्वत्र अपने भगवान की मूर्ति देखो। भागवत धर्म की आदर्श मूर्ति है गोपियां। आप लोगों ने सुना होगा गोपियों का चरित्र, फिर मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। वो आदर्श मूर्ति है, इसलिए वो सर्वत्र उनकी दृष्टि में श्याम सुंदर के सिवा और किसी की सत्ता ही नहीं है। तो जित देखो तित श्याममयी है, ऐसा अनुभव करती है। जहां उनकी दृष्टि जाती वहां उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये भागवत धर्म की महत्ता है कि आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी देश में हो, कुछ भी करते हो, अपने कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, आप भक्त बन जाएंगे। सदना कसाई मांस बेचता था, लेकिन परमात्मा को अनन्य भक्त था, और उसको अयुज मुक्ति मिली। आप लोगों ने सुना होगा सदना कसाई का नाम। वह घर से निकल पड़ा एक दिन, हाथ में उसके कीर्तन के दो यंत्र थे जिसे वो कीर्तन करता था, करताल जिसे कहते हैं। रास्ते में चला जा रहा था, रात्रि का समय हुआ। उसने निश्चय किया कि यहाँ इस गांव में रात में हमें रुकना चाहिए। लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा भद्र पुरुष है जिसके यहाँ मैं रात्रि व्यतीत कर सकूं। गांव वालों ने कहा हाँ, यहाँ एक पंडित जी हैं, उनके अनित्य प्रति भजन कीर्तन होता है, उनके यहाँ तुम जाओ, वहाँ पर तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए स्थान मिल जाएगा। सदना चला गया उस पंडित के पास। वहाँ पर जाकर के उसने पंडित जी को नमस्कार किया। पंडित जी ने देखा कोई वैष्णव भक्त है, आया है। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, उसको बैठाया, उसको भोजन कराया, रात रहने के लिए कहा। वहाँ पर रात में कीर्तन, लोग इकट्ठा हो गए, संगति आ गई, कीर्तन होने लगा। 12 बजे रात तक कीर्तन होता रहा। कीर्तन के बाद जब सब सो गए तो सदना को भी एक कमरा दे दिया, एक कोठरी, कहा वहाँ तुम सो जाओ, वहाँ जाकर वो भी सो गया। इतने में आधी रात के समय उस पंडित की स्त्री जो थी वो अपने आप को खूब सजा बजा करके रात में आई, सदना का दरवाजा खटकाया। ऐसे सदना उठा, कोई जगा रहा है, मुझे किवाड़ खोला, देखा तो देवी खड़ी थी। अरे कहा माँ तू यहाँ कैसे आ गई? कहा मैं माँ नहीं हूँ तेरी, मैं तेरे सूरत पर मुग्ध हूँ और तू मेरा उपभोग कर। सदना ने कहा माँ तू मेरी माँ है, मैं ऐसी पाप में वृत्ति नहीं अपना सकता। उसने कहा उस स्त्री ने, तू मेरे पति से डरता है क्या? वो उठी और वहां से गई, गणासा रखा हुआ तो पति के सर काट दिया, काट करके लाकर कहा ये ले, देख रहा है तू? उसने कहा माँ ये तूने क्या अनर्थ कर दिया, मैं किसी भी रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उसने ने कहा कि देख अब ये सारा तुम्हारे सर पर जाएगा। कहा मेरे सर पर जाए? वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, क्या बात है क्या बात है? अरे कहा ये भगत नहीं दुष्ट है, मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था। गांव वालों ने पकड़ लिया, मारने लगे उसे। वो चुप रहा और कुछ नहीं, तो अपने भगवान का नाम स्मरण करता रहा।
इन दिनों भारत में मुसलमानों का शासन था, ये बहुत पुरानी बात, त्रेता युग की नहीं बता रहा, कलयुग की बता रहा हूँ, मुसलमानों का शासन था भारत में। तो सवेरा हुआ, उस पकड़ करके काजी के हवाले कर दिया गया। काजी आया, उसने पूछा उससे कि क्यों भाई ये जो कह रही है देवी सही है? वो कहती मैं तो माँ मेरी है, झूठ बोली नहीं सकती, तो बिल्कुल सत्य कह रही है, जो कह रही सत्य है। बोले तुम्हें अपने बचाव के लिए कुछ कहना का? कुछ नहीं कहना, जो माँ कह रही है तो ठीक कह रही है। काजी बड़ा हैरान रहा कि एक तरफ ये माँ कहता है और वो कहती है मेरे पति के वध कर दिया, कहा जो कह रही ठीक कह रही। हम बड़ा हैरान रहा, उसने कहा इसको क्या दंड दिया जाए? मुसलमानों के यहाँ उस समय दंड का तो यही काम था, उसका वध कर देना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये वध करने काबिल नहीं है, इसके दोनों हाथ काट लिए जाए। उसने काजी ने ऑर्डर दिया, तुरंत उसके दोनों हाथ काट लिए गए, कट गए हाथ, बिना हाथ का हो गया दोनों को। सजना वहां से कीर्तन करते हुए आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़ा उसी प्रकार से हो गया, जगन्नाथपुरी जा रहा था, पहुंच गया जगन्नाथपुरी ओडिशा। वहां जाकर मंदिर के सामने कीर्तन करता हुआ उसने कहा, जब दर्शन किया भगवान का, तो जगन्नाथ जी की मूर्ति के हाथ नहीं है, कोई गया होगा देखा होगा, वहां हाथ नहीं है। तो सजना ने कहा कि वो हो, मुझे क्या पता था कि तू अपने जैसा बुलाना चाहता है मुझे बनाकर अपने ऐसा बनाकर मुझे बुलाना चाहता है, मुझे क्या पता है, तेरे भी नहीं है मेरे भी नहीं है, ठीक है दो। तो भक्तों ने लिखा है कि वहां सजना के दोनों हाथ अपने आप हो गए। और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि ये बताइए कि ये तमाशा क्यों हुआ, इसमें कारण क्या है? तो उसको ये पता चला कि पूर्व जन्म में सदना बनारस में रहने वाला एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी ब्राह्मण था। एक दिन की बात, एक गाय के पीछे कसाई दौड़ा आ रहा था और गाय भगी जा रही थी, कसाई ने आवाज दी उधर से, वो ब्रह्मचारी आ रहा था। गली बनारस की छोटी छोटी गलियां हैं, आप लोग देखे होंगे, कोई गए होंगे तो। तो एक गली में गाय दौड़ी जा रही थी, कसाई ने उस ब्रह्मचारी से कहा गाय को रोक ले, नहीं तो देखता है ये तेरे ऊपर बरसेगी। वो उन दिनों मुसलमानों का शासन था ही, वो जो ब्रह्मचारी था डर के मारे गाय के सामने से हाथ फैला दिया, गाय रुक गई। जब गाय रुक गई तो कसाई पहुंचा, गाय को पकड़ कर ले आया, काट दिया। जब गाय काट दिया तो गाय दूसरे जन्म में वो स्त्री बनी और वो कसाई जो था वो ब्राह्मण बना। और सदना ने गाय रोकी थी इसलिए तो जाकर के कसाई के यहाँ पैदा हुआ और उस गाय ने अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसका वध किया है? और उसके दंड में क्योंकि गाय रोकने में सहायता किया था इसलिए उसके दोनों हाथ काट दिए गए। ये पूर्व जन्म के कर्म का उसे फल मिला। जब सदना को ये बात समझाई भगवान ने तो उसको संतोष हो गया, कहा बहुत अच्छा हुआ, एक जन्म में यम निपट गए साहब। तो मेरे कहने का प्राय कि भगवान की उपासना में, भगवान की भक्ति में, भागवत धर्म में ये भेद नहीं है कि तुम किस जाति के हो, ये भेद नहीं है तुम क्या करते हो। भगवान ने क्या कहा गीता में, यद करोसी यदस्नासी यज्ञोसी ददासी यद तपस्या कौंती तत्कुरुषो मदर्पण, जो कुछ करता है तो हल चलाता है मेरे नाम पर चला, खेती करता है मेरे नाम पर कर, जो भी काम करता है व्यवसाय करता है मेरे नाम पर कर, यद करोसी। ये नहीं कहा कि वेद पाठ करना तो मेरे नाम पर करना और चोरी करने जाना तो अपने नाम पर कर लेना, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा भगवान। यद करोसी जो कुछ करता है मेरे लिए कर। और यदि आप सोचिए भगवान का नाम आपके ध्यान में आ जाए, भगवान का चरित्र आप में आ जाए, क्या आप कभी बुराई करेंगे? नहीं करेंगे, आपसे बुराई होगी नहीं। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं कश्मीर में गया तो वहां पर मेरा व्याख्यान था, तो एक दिन मैं ये बोल रहा था और लोगों को समझा रहा था कि कश्मीरी ब्राह्मण मांस बहुत खाते हैं, मांस ही खाते हैं, खाते थे और बहुत क्या, उनका आहार ही मांस था। तो मैंने उन लोगों से कहा अंता कि जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो भगवान को भोग लगाकर खाया करो। अब उनके हृदय में बड़ा एक कौतूहल मचा, सब आए मेरे से पूछे महाराज हम तो मांसाहारी हैं तो भगवान भोग कैसे लगाएं? हम कहा तुम जो भी खाओ, भगवान ये नहीं कहा कि साग खाना तुम ये भोग लगा देना, मांस खाना तो नहीं लगाना।
यदस्नासी, भगवान क्या कहते हैं, जो भी खाता है तू मुझे भोग लगाकर खा। अब तुम ये तो समझो कि भगवान कृष्ण को भोग लगाए, शालिग्राम को भोग लगाए, किसको लगाए हम कहा नहीं, तुम तो नरसिंह भगवान को भोग लगाया करो, नरसिंह भगवान ये तो जानते हो ना नरसिंह भगवान हेरड़ा कसर का बच्चे को फाड़ करके और उसका रक्त उठा करके पान करो, जीभ लपड़पा रहे हैं, और जो जिस जीव से वो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का रक्त पान कर रहे हैं उसी जीव से प्रहलाद को चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनका नरसिंह भगवान का ध्यान करके उनको भोग लगाया था। अब थोड़े दिन बाद दोबारा मैं गया, जितना परिवार था सब शुद्ध शाकाहारी बन गया था। हम क्यों भाई क्या हुआ, अरे कहा महाराज हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम मांस भगवान के सामने रखें अपने आप हम लोगों का आहार बदल गया, तो तुम्हारा आहार बदल जाएगा, ये भगवत कृपा का परिणाम। यदि भगवत भावना तुम्हारे हृदय में आई तुमसे गलत काम होगा नहीं, ये याद रखो। आज जो समाज सुधार की बातें लोग कर रहे हैं, समाज को उन्नत बनाने की लोग बातें कर रहे हैं, ये भ्रांति में, ये भ्रांति में इसलिए वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष होने से समाज उत्तम बन जाएगा। इन बुद्धि के दुश्मनों को ये पता नहीं है कि यदि धर्म निरपेक्ष हो गए तो समाज उत्तम कहां से बनेगा, धर्मानुष्ठान से समाज उत्तम बनता है या धर्म के त्याग से समाज उत्तम बनता है। आप जरा सोचिए, आज जो व्यक्ति दूसरे का अहित नहीं कर रहा है तो किसके नाते नहीं कर रहा है, सरकार के डर के नाते, ना ना गलत बात, सरकार को डरते यदि लोग तो जो हत्या करते वो कभी करते, जो डाका पड़ते कभी पड़ते, जो लूटते हैं लोगों को कभी लूटते, जो पैसे लाकर लेकर दूसरे का वध करते कभी करते, नहीं करते, तो भगवान को नहीं डरते वो। लेकिन आम जनता तो भगवान को डरती है। एक बात याद रखना, समाज शास्त्र का अध्ययन करते हुए मैंने अनुभव किया है कि चार प्रकार के डर हैं जिससे समाज में व्यवस्था होती है, चार प्रकार के डर। पहला डर है परमात्मा का, परमात्मा का अच्छा बुरा सबका वो दृष्टा है, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वह परमात्मा हमारा सब कुछ देख रहा है। जो आस्तिक लोग हैं तो परमात्मा में विश्वास करते हैं और जानते हैं कि हम जो कुछ करेंगे छिप कर करेंगे वहां भी परमात्मा देख रहा है, परमात्मा कहां नहीं है। एक गुरु के पास दो शिष्य गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। गुरु ने दो कबूतर उठाए, एक एक दोनों को दे दिए, कहा जो जो तुम्हें कोई कहीं ना देखता हो वहीं पर इस कबूतर का गर्दन मरोड़ दो और मार के ले आओ तो हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। तो एक शिष्य तो गया और पेड़ के आड़े देखा दीवार के, वहां कोई नहीं था, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, वो लाकर पहुंच गया, कहा गुरुदेव ये लीजिए, कहा दे दिया। और दूसरा शिष्य जो था वो गया, कहा गुरुदेव ने कहा है जहाँ कोई ना देखता हो वहां पर तुम इस कबूतर को मारना, अब जहां जाए कहा यहाँ तो पशु है पक्षी है सब देख रहे हैं, हमें तो गुफा में चला गया, गुफा में गया वो कहता कि यहाँ कबूतर हमें देख रहा है, मैं कबूतर को देख रहा हूँ, यहाँ देखने वाला है। एक ऐसी अंधेरी कोठरी में चला गया जहाँ वो जाकर कहता है कबूतर हमें नहीं देखता लेकिन मैं तो कबूतर को देख रहा हूँ, यहाँ देखने वाला है। वो लेकर कबूतर जो का क्यों आया और गुरु से कहने लगा गुरुदेव मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई देखने वाला ना हो, इसलिए आप कबूतर लीजिए और मुझे दीक्षा दें चाहे ना दें। गुरु जी ने कहा तुम तो स्वयं दीक्षित हो गया, जब सर्वत्र देखने वाला तो तूने देख लिया है, जान लिया है, यही तो जानना है। क्या जानना है कि जो सर्वत्र देख रहा है सबको देख रहा है उसी को देखना है उसी को जानना है। और वह कौन है, एको देवो सर्वभूतेश गुणः, वेद कहता है एको देवो सर्वभूतेश गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह साक्षी है, चेता है, एक मेवा द्वितीय है और निर्गुण है, प्राकृतिक गुणों से परे है, इसलिए वहां पर वह दृष्टा सबका देखने वाला बैठा हुआ है। और जो आस्तिक लोग हैं उनमें आस्था रखने वाले वो जानते हैं कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, जो कुछ हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं परमात्मा देख रहा है, इसलिए वो बुराई करने से घबराते हैं, परमात्मा को दृष्टा मानकर। इन दोनों उसको बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ, दूसरी बात केवल परमात्मा का ही नहीं, हमारे यहाँ
दो ऐसे संप्रदाय हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, इन दोनों के यहाँ ईश्वर नहीं है। बात जानते हैं आप लोग, सह सुने होंगे या नहीं जानते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये धर्म को मानते हैं और धर्म का परिणाम नरक और स्वर्ग मानते हैं, धर्म का परिणाम भी मानते हैं। यदि धर्म में आस्था रहेगा तो धर्मानुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो दूसरा भय है नरक और स्वर्ग का, धर्म और धर्म का, ये दूसरा भय है। पहला भय परमात्मा का है, दूसरा भय नरक और स्वर्ग का है, और तीसरा भय है समाज का। बहुत से अन्याय आप इसलिए नहीं करते कि समाज क्या कहेगा, बहुत से काम आप छुपा कर करते हैं समाज क्या कहेगा। आजकल तो सरे बाजार में जहां देखे वहां पापिया लगा हुआ है, देसी शराब और अंग्रेजी शराब। हमारे बच्चेपन में कुछ छोटी जाति के लोग थे जो शराब पीते थे और वो चुरा करके बोतल ले जाते थे, कोई देख न ले, कहीं कोई देख लेगा तो उंगली उठाएगा कि ये शराबी है, जानते हो। उस समय कोई बेईमानी करता था तो लोग उंगली उठाते थे बेईमान है, और अब सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब शराबी बन गए, सब बेईमान बन गए, सब चोर बन गए और सब अपने चरित्र से गिर गए। समाज में जब कोई किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला ही नहीं रहेगा तो शराब समाज का डर किसको हो। आज जरा सोचिए, आज आप समाज को क्यों नहीं डरते। आज किसी के यहाँ लड़की की शादी करने जाओ तो मोल करेगा कि हमें इतने पैसे चाहिए, वो कहता क्या है, हमने अपने लड़के को पढ़ाया है, लिखाया है, इतना योग बनाया है, तुम कहो भले आदमी तो लड़के को पैदा किया उसका भी ले लेते, खिना जो लेना हो, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था। उसने अपनी लड़की नहीं पैदा की, उसको नहीं बड़ा किया उसने, उसे नहीं उसको योग्य बनाया, लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है। आज समाज में दहेज की प्रथा मनमानी चल रही है और जो जितना ज्यादा दहेज मांगता उतने बड़ा आदमी समझा जाता है, देख रहे हो। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम बड़ा दुखद होगा, समाज का सर्वपतन होगा। क्योंकि महाभारत में बात आई है जिसमें द्रौपदी के आंसू गिरे, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि इन कौरवों का मैं सर्वनाश कर दूंगा जिस दिन तुम्हारे आंसू पृथ्वी पर गिरे। यहां पर नारियां दुखित होकर आंसू बहाती हैं, उस देश का सर्वनाश होता है। और आज तो नारियां दुखी होकर आंसू ही नहीं बहाती, आग लगाकर जला दी जाती है दहेज के लिए। क्या आप लोग नहीं जानते क्या, अखबार पढ़िए और आपके अगल बगल भी यही होता हो, देखिए। अपनी शान समझते हैं कि आज मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया दहेज में मिल गया, और भरे आदमी कितने दिन खाएगा तू, क्या करेगा उससे, कौन सी मिर्जाशक बनाएगा तू, दहेज लेकर बिल्ला बन जाएगा तू या टाटा बन जाएगा, क्या करेगा। लेकिन नहीं, बुद्धि विकृत है, इसलिए आदमी यही सोचता है कि हमारी शान इसी में, और परिणाम जो कुछ हो रहा आप लोग जानते हो। तो चार भय था, चार भय, ईश्वर का भय, नरक स्वर्ग का भय, समाज का भय, और चौथा भय था सरकार का भय। ये सरकार का भय चौथे नंबर पर आता है। अब तो सरकार का भय रहा नहीं, क्योंकि सरकार तो ही लोग हैं जो आप बनाते हो जिसको, और कोई महान से महान घातक कार्य कर दे, कोई नेता के यदि कृपा पात्र है तो मुक्त हो जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो जानता कि हमारे ऊपर तखात है। तो समाज का भय इसलिए गया कि समाज को सब एक स्वरूप बना दिया गया, कौन किसको समझाएगा, कौन किसके भयभीत होगा, कौन किससे शर्म करेगा, जब सब एक से हो जाएंगे तो समाज का भय जा रहा है और सरकार का भय है ही नहीं। और धर्म के विषय में कहते हैं धर्म निरपेक्ष हो जाओ, धर्म का भय जो किसी के हृदय में वो भी निकल जाए। अब रह गया परमात्मा का भय, लोग कहते हैं किसने देखा है परमात्मा, किसने देखा है भाई, किसने देखा है परमात्मा को। मैंने एक से पूछा, उसने मेरे से कहा कि आप परमात्मा को देखे, हम कहा बिल्कुल देखा हूं यार, कहा कैसे देखा, जो तुम्हें देख रहा हूं, कहा तो आप मुझे दिखाओगे, हम कहा दिखा सकता हूं, यदि तुम अपनी भूख मुझे दिखा दो तो हम तुम्हें परमात्मा दिखा दे।
तुम अपनी भूख को जानते हो? कहता जानता हूं। तुम मुझे दिखा सकते हो भूख? कैसे दिखाओगे? दिखा सकता है कोई अपनी भूख मुझे? है? लेकिन भूख है कि नहीं है? नाराज आज लोगों की, जो वस्तु ना दिखाई जाए वो नहीं है, ये कौन सा कानून बन गया? अमेरिका में एक बार कुछ विद्वानों से, वैज्ञानिकों से मेरी चर्चा हो रही थी, तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं, जो वस्तु हमारे निरीक्षण और परीक्षण में नहीं आती उसको हम स्वीकार नहीं करते। मैंने उससे कहा कि क्या एनर्जी तुम्हारे निरीक्षण परीक्षण में आई है? एनर्जी, उसकी भाषा मैंने पूछा, कैन यू शो मी एनर्जी? नो। देन कैन यू शो मी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? नो। देन तुम मुझे दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो दिखाया नहीं जाता, एनर्जी तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती, एनर्जी की अभिव्यक्ति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी नहीं दिखाए जाते। उनका भले आदमी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं दिखाए जाते उनकी सत्ता क्यों मानता है? तो क्या उनके कार्य देख करके हम कहा ऐसे परमात्मा की सत्ता भी हम मानते हैं उनका कार्य देख करके? तो तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है वो चेतन बोल रहा है या जड़ बोल रहा है? प्रकृति तो जड़ है ना। एनर्जी इज इनसेंसेंट और सेंसेंट, जिस एनर्जी की तुम चर्चा करते हो वो जड़ है या चेतन है? का नहीं, वो तो जड़ है। हम कहा जड़ बोलेगी, जड़ में ज्ञान की वृद्धि होगी? जड़ किसी को जानने के लिए सक्षम है? नहीं है। ये कंप्यूटर आज जितने हैं उनमें जो भर दोगे वही तो चलेगा काम, प्रोग्रामिंग तो चलाते हैं, और यदि कोई मनुष्य उनमें प्रोग्रामिंग भरने वाला ना हो तो कंप्यूटर क्या करेगा? कुछ कर सकता है क्या? तो जड़ पदार्थ है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जितने यंत्र हैं सब प्राकृतिक हैं, और प्राकृतिक यंत्रों में स्वयं का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, और स्वयं का बोध न होने के नाते वो कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान का दाता को जो कुछ तुम देख रहे हो दृश्य जगत, ये प्रकृति का परिणाम है, लेकिन प्रकृति स्वयं में जड़ है। ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान का भी कोई स्रोत है कि नहीं है? मैंने उसे पूछा, उनका डू यू बिलीव इन थ्योरी ऑफ कॉजेशन, क्या तुम कार्यकारण संबंध को विश्वास करते हो? कहता हमारा साइंस इसी बेस पर है। मैंने उसे पूछा, उनका व्हाट इज इन कॉज, हाउ दैट कैन बी इन टू अफेक्ट, जो कारण में नहीं है वो कार्य में कैसे आएगा? एनर्जी में ज्ञान नहीं है तो एनर्जी का संघात शरीर बन गया तो उसमें ज्ञान आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर नहीं आएगा, फिर ये ज्ञान कहाँ से आया? तो कहता है तो हम समझ नहीं पाए ज्ञान कहाँ से आया। उनका जब ये समझ लेना तो मेरे से बात करना था। ज्ञान कहाँ से आया तुम्हारे? ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत जो है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। सांख्य शास्त्र उसे ज्ञ कहता है, और उस परमात्मा से ही ज्ञान का सारा प्रकाश है, और उस परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देने मात्र से तुम उससे अलग नहीं हो सकते। यदि बिल्ली को आते हुए देखकर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली की आंख तो नहीं बंद होती, हो जाती है, क्या रहा है? यदि आप लोग हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? तुम्हारे न मानने से ईश्वर नहीं रहेगा क्या? तुम्हारे न मानने से स्वर्ग नरक नहीं होगा क्या? तुम्हारे न मानने से दुनिया नहीं रहेगी क्या? तुम्हारा मानना क्या अर्थ रखता है? कुछ अर्थ नहीं रखता। हाँ, तुम्हारा जानना अर्थ रखता है, तुम क्या जानते हो ये तो अर्थपूर्ण है, लेकिन तुम क्या मानते हो अर्थपूर्ण नहीं है। तो मान्यता तुम्हारी अज्ञानता में है, और जानना तुम्हारे ज्ञान का परिणाम है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि धर्म का आधार ज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। याद रखो, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये शब्द शुद्ध बुद्धि के प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये धर्म का जो रास्ता है ये तुम उन महापुरुषों के चरित्र से समझ सकते हो। ये श्रुति की घोषणा है, धर्म मार्गम चरित्रेण। परमात्मा जब निराकार से निराकार रूप में अभिव्यक्त होता है तो अपने चरित्र के द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करता है। भगवान कृष्ण के चरित्र को देखिए आप, किसी भी प्रकार के चरित्र, बाह्य चरित्र को ही देखिए आप, उनका एक एक चरित्र धर्म मार्ग की प्रतिष्ठा में। नाश किसका करते हैं? अघासुर का। नाश किसका करते हैं? भगवान
बकी नाम का पूतना का बकी, हंसनी का नाश नहीं किया भगवान। बकी जानते हो, बकासुर की वाहन, बक कहते हैं बकुले को, बकी कहते हैं बकुली को, क्या समझे? बकी शब्द का अर्थ होता है बकुली, और बकुली किसे कहते जानते हो, जो बाहर से देखने में तो बड़ा सज्जन दिखाई दे लेकिन अंदर से जो, हाँ, भगवान राम खड़े हुए थे पंपा सरोवर के किनारे पर, एक बकुला एक पांव से खड़ा हुआ था वहां और बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के नीचे दृष्टि किए हुए, तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जरा देखो तो ये बकुला कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा भक्त है, ये एक पांव से खड़ा हुआ है जिससे कोई जंतु न मर जाए और बिल्कुल ध्यान में मग्न है। तो वहां मछली बोली, वहां से कहां से, तालाब से मछली बोली कि राघव कि बकुला कितना बड़ा भक्त है तो मेरे से पूछिए, सहवासी जानन्ति गुण दो सहवास ना। आज साथ रहने वाले हैं वही साथ रहने वाले गुण दोष जानते हैं, बकुला कितना भक्त है तो हम लोग जानते हैं। तो बकुली जो है, बकुली उसका बाहर कुछ अलग होता है अंतर कुछ अलग होता है। पूतना आई तो थी खूब श्रृंगार करके, सुंदर ज्वालिनी बन करके, उसके उस सौंदर्य को देख करके यशोदा और रोहिणी दोनों मुग्ध हो गई थी, इसलिए उसको मना नहीं कर सकी और वो भगवान कृष्ण को उठाकर गोद में तुरंत अपना स्तन उनके मुंह में डाल दिया, दूध पिलाने लगी। उनका साहस नहीं हुआ कि उसको मना करें क्योंकि वो कोई देवी ऐसी लग रही थी, लेकिन थी तो राक्षसी जिसका बाहर अलग है भीतर अलग है, उसको बकी कहते हैं। और बकी का ही भगवान ने वध किया, ये भी एक संयोग की बात देखी। भगवान राम के जीवन में पहला बाण किसके ऊपर छोड़ा उन्होंने जानते हो, किसको मारा पहले, सबसे पहले किस राक्षस का वध किया, ताड़का का। और भगवान कृष्ण सबसे पहले किसका वध किया, पूतना का। दोनों ने अपने जीवन संग्राम में प्रवेश करते दो, क्या कहिए इनको, महिलाएं कहिए, ये मायामयी दोनों थी, माया में, यानी एक शिक्षा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहता है उसके लिए निर्देश है, आदेश है भगवान का, ये शिक्षा है भगवान की, धर्म मार्गम चरित्रेण, उनके चरित्र की यह शिक्षा है कि सबसे पहले तुम्हें इस मायामयी कपटपूर्णा ऐसी शक्तियों का नाश करना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले। वहां यदि तुम धर्म धर्म देखते रहोगे, भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा कि तुम इसको जल्दी मारो, भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव हमारे रघुकुल में तो स्त्रियों के ऊपर चलाया नहीं जाता, अरे उन्होंने कहा चुप करो इस बात को, अरे तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं मार, यदि तू नहीं मारेगा तो हम तीनों को खा जाएगी बाद में।